हेलो नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ, एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से एडिटोरियल आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि उनको हम पहले एक बार अच्छे से रिवाइज है वो कर लें और फिर आगे हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो साइड में छोटा एडिटोरियल है, ये है बेसिकली डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो श्री कृष्णा पेलन के सुझाव वगैरह वो यहाँ पे दिए गए, तो इस आर्टिकल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी आपको पता है कि आईपीसी की धारा 377 के खिलाफ केस है वो दायर है, वो किया गया है, तो उसके बारे में एडल्टी को चैलेंज वगैरह किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई वो कल्चरल वार है, वो एक तरीके से छिड़ गया है, तो क्या इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखो बेसिक इसमें कुछ नए पॉइंट है नहीं, हमने ऑलरेडी आईपीसी की धारा 377 जो एडल्ट्री है इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया, तो कुछ नए पॉइंट यहाँ पे है नहीं जो हम यहाँ पे एग्जाम में यूज कर सकें, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं कर रहे हैं। नीचे जो ये छोटा आर्टिकल है साइड में, ये आर्टिकल बेसिकली है कंबोडिया के बारे में कि कंबोडिया के अंदर अभी देखा जाए तो हुनसेन की सरकार थी पहले और अभी वापस वो इलेक्ट होके आ गए हैं। और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो हुनसेन है वो एक्चुअली 1985 से वहाँ पे सत्ता में है, मतलब एक तरीके से वो डिक्टेटरशिप का रोल है वहाँ पे निभा रहे हैं और अब वापस सत्ता में आ गए हैं। बट कोई भी कंट्री है वहाँ पे एक तरीके से उनको मतलब रोकने में नाकाम है या ना ही कोई एक्शन है वो ले पा रही है, क्योंकि जो हुनसेन है वहाँ पे डिक्टेटर बन गए हैं और वो जो अपोजिशन की पार्टी वगैरह है उनको कोई भी वहाँ पे काम वगैरह नहीं करने दे रहे हैं, उनको जेलों वगैरह में रखा जा रहा है, ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पे बताए हैं वो गए। तो यहाँ पे फाइनली इंपॉर्टेंट एक तो ये होता है कि हम थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं, बाकी देखो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स तो हमारे लिए तो बेसिकली कुछ काम की नहीं होने वाली कि भाई कंबोडिया में क्या है, बस हमें थोड़ा ये पता होना चाहिए कि कंबोडिया के अंदर सीन क्या है। तो पता चल गया कि कंबोडिया के अंदर हुनसेन की सरकार है, काफ़ी टाइम से लगभग देखा जो 1985 से सरकार है वो चली हुई आ रही है और अभी तक वही सत्ता में ताबीज हैं और जो अपोजिशन उनको उन्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज वगैरह कर रखा है, ना ही उनको कुछ काम करने देते हैं, ना ही कोई उनको फ्रीडम वगैरह दे रखी है। ये सारे इशूज यहाँ पे डिस्कस हैं वो बेसिकली किए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं कंबोडिया की लोकेशन पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा इंडिया, अब चलते हैं मध्य आसियान कंट्रीज की तरफ, तो हमें कंबोडिया अपने आप मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे एक सेकेंड आपको बता दूँ, हाँ ये अब आप देख पा रहे हो, ये तो है वियतनाम जो काफ़ी देखो इसे लंबी सी कंट्री दिख रही है आपको, ये होगी वियतनाम, यहाँ पे होगा साउथ चाइना सी और ये यहाँ पे होगा लाओस, और लाओस है वो आपको पता है कंप्लीटली लैंडलॉक कंट्री है आसियान की, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान है वो रखनी है। यहाँ पे नीचे बात करें तो ये आता है कंबोडिया, तो आप देख सकते हो कंबोडिया वो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इसका जो एक साइड का हिस्सा है वो साउथ चाइना सी में आप बोल सकते हो कि यहाँ पे टच है वो कर रहा है, तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन होगी। यहाँ पे हम देखें थाईलैंड की लोकेशन, वो थाईलैंड की लोकेशन के पास में हम देखते हैं तो ये म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा था, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लोकेशन, और म्यांमार के आपको पता है कि यहाँ पे हमारा प्यारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बताना है कि भाई म्यांमार के कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के जो टच करते हैं, मतलब इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो कि म्यांमार को बाउंड्री टच करते हैं, तो उन स्टेट के नाम बताने और उनको नॉर्थ टू साउथ आपको बताना है, नॉर्थ से लेके साउथ तक आप उनको अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कमेंट बॉक्स में आंसर है वो बताना है। और प्लीज़ देखो आप जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन वगैरह हैं ऐसे भी क्वेश्चन है वो आप मैंने आपको बताया था कि फेसबुक का जो पेज है वहाँ से या फिर अनअकैडमी की जो वेबसाइट है वहाँ पे मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप डेली आंसर राइटिंग है वो कर सकते हो। इसी के साथ जो डेली मैप बैक क्वेश्चन वगैरह होते हैं मैपिंग बेस्ड, तो इनको भी आप एटलीस्ट आंसर है वो जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिले और आपका भी अच्छे से रिवीजन है वो हो जाए, क्योंकि देखो यूपीएससी यहाँ से मैपिंग पे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछती है। साउथ चाइना सी भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वाले एरिया में हमारी आसियान कंट्रीज आती हैं और यूपीएससी आपको पता है कि आसियान पे ज़्यादा फोकस करती है, क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया है वो भी आसियान के साथ काफ़ी क्लोज हो जा रहा है, तो इसलिए एक अहम हो जाता है। इसके बाद हम बात करें मैपिंग की कुछ और एरिया की, तो वो आता है आपको पता है मिडिल ईस्ट वाला एरिया, ये जो हम बात करें ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया और यहाँ पे आपको पता है कि इसराइल होगा, ये जो एरिया की मैपिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दोनों साइड की लोकेशन हमें पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया है, कभी हाँ कभी टूरिज्म है वो प्रमोट होता रहता है, कभी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनके बारे में हमें ध्यान है वो रखना काफ़ी अहम है वो हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे हमारी डिस्कशन की तरफ, आगे हम देखते हैं यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये है एक्चुअली ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या है इसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो इस आर्टिकल के कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसी के साथ कुछ पॉइंट्स हैं वो हम दैनिक जागरण का जो न्यूज़पेपर आता है हिंदी न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल भी आज हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि दैनिक जागरण में भी एक एडिटोरियल वो ब्रिक्स को लेकर है और उसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट है वो दिए गए हैं। तो दोनों आर्टिकल को हम मिला के यहाँ पे डिस्कस हैं वो करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा आर्टिकल वहाँ पे लिखा गया है। ये यहाँ पे जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 गवर्नमेंट उसमें अमेंडमेंट है वो कर रही है, बट राइटर का ये कहना है कि देखो गवर्नमेंट को एक है ना
मतलब बैलेंसिंग अप्रोच है वो लेके चलनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहने की उसमें काफ़ी कुछ कमियां रख के चल रही है, तो उन कमियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो देखो मैं आपको इसके कुछ नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं आपको बता देता हूँ कि भी कल हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में, तो एक दो पॉइंट जो क्या क्या यहाँ पे बताए गए हैं वो आप थोड़ा हो सके तो एक दो नोट डाउन कर लो, बाकी कल नोट्स है वो ऑलरेडी बना लिए थे तो इतना कुछ बनता नहीं है। एक तो देखो गवर्नमेंट ने अभी जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए ये कहा है कि जो भी यहाँ पे देखा जाएगा कि एक तरह से कोई भी सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर उसके खिलाफ केस फाइल करना है किसी को करप्शन वगैरह का कोई भी, तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है उससे परमिशन लेनी होगी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अमेंडमेंट जो करने की बात है गलत है। क्यों गलत है? तो राइटर का देखो तरक्की है कि अगर गवर्नमेंट ने ऐसा रूल कर दिया कि विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन से आप सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट्स पर केस नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उसकी परमिशन देगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो भाई गवर्नमेंट तो अपनी साइड का बचाव करेगी ना, तो गवर्नमेंट क्यों परमिशन देगी कि आप इसके खिलाफ केस फाइल वो करो। जैसा फिर दूसरा केस ये हो सकता है, ये मान लो कि कोई ए अथॉरिटी है कि ए अथॉरिटी के अंदर कोई करप्शन या कुछ भी हो रहा है, उसकी कंप्लेन आपको करनी है और आपको पता चला कि उसकी कंप्लेन उसी डिपार्टमेंट में होनी है, तो वो डिपार्टमेंट क्यों उसकी कंप्लेन दर्ज करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं राइटर का ऐसा कहना है कि देखो एक तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है इससे दूर और हो रही है, तो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए, गवर्नमेंट को अगर ना बैलेंस अप्रोच लेके चलनी चाहिए ताकि लोगों को है जो करप्शन का इशूज है उसको दूर है वो किया जा सके। एक तो यहाँ पे इशू है वो राइटर के द्वारा ये बताया गया कि यहाँ पे बैलेंस लेने की जरूरत है। राइटर दूसरा ये कह रहे हैं कि देखो एक गवर्नमेंट ने ये कहा है, दूसरा मतलब पे अमेंडमेंट की बात है वही कही गई है जो कि गवर्नमेंट जो कि सॉरी राइटर वो नेगेटिव बता रहे हैं, वो ये पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ने भी ये कहा है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो पार्लियामेंट में जो भी अमेंडमेंट की बात की है उसमें ये कहा गया है कि जो भी अगर कोई सिविल सर्वेंट है कोई भी अधिकारी है उसके पास उसकी इनकम से ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उस पर वो टैक्स देकर उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे मान लो कि किसी इंसान की सैलरी है महीने की 30,000 रुपये और पता चला उसके 5 साल बाद उसके अकाउंट में या उसकी टोटल जो वर्थ है वो हो रही है 10 करोड़ रुपये, तो भाई ये तो साफ साफ पता चल गया है कि 10 करोड़ रुपये वो वैसे तो नहीं कमा सकता, मतलब उसने कहीं ना कहीं धांधलेबाजी या करप्शन या घोटाला किया है। तो अब क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि भाई वो जो 10 करोड़ रुपए हैं इन पे 10% दे दे और उसको व्हाइट में कन्वर्ट कर ले। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो इससे तो करप्शन को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, लोग सोचेंगे कि यार चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो फिर तो बस 10% देना होगा, मैं व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बुरी बात है, तो लोग ज्यादा करप्शन और करेंगे, तो इससे तो करप्शन में जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म और हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान या नेगेटिव पॉइंट राइटर के द्वारा बताया गया है। तो राइटर के द्वारा कहना है कि इन्हीं दोनों पॉइंटों को गवर्नमेंट को चेंज है वो करना होगा और एक बैलेंस अप्रोच है वो लानी होगी ताकि एक फेयर डिसीजन है वो लेके आ जा सके। बाकी जो और पॉइंट्स हैं जैसे कि हमने कल डिस्कस किए थे कि अगर जो आदमी रिश्वत देता है ब्राइब उसको भी यहाँ पर सजा वो मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, यहाँ पर राइटर उनकी तारीफ है वो कर रहे हैं। अब बात करें इस आर्टिकल की, ये जो यहाँ पे आर्टिकल है ये आया है बेसिकली जजों के रिटायरमेंट के, इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया उस पॉइंट्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे जो आर्टिकल है दोनों ही कुछ काम के नहीं है, तो इन्हें हम यहाँ पे डिस्कस है वो नहीं करने वाले, तो चलते हैं डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले हम बात करें डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में, हम यहाँ पे डिस्कस है वो करने वाले हैं। देखो डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले आती है जब हम बैकग्राउंड में जाते हैं, वो आती है राइट टू प्राइवेसी, एक फंडामेंटल राइट है। और ये कौन सी जजमेंट थी? ये थी स्वामी जजमेंट वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस था उसमें ये जजमेंट है वो आई थी। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई राइट टू प्राइवेसी वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और आपको बताऊं कि डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक श्रीकृष्णा पैनल नया कमेटी है वो भी बनेगी है, तो ये दोनों चीजें ही हमें ध्यान है वो रखनी है एग्जाम में कि श्रीकृष्णा पैनल किससे रिलेटेड है, या श्रीकृष्णा कमेटी या फिर पुट्टा स्वामी जजमेंट, ये दोनों ही प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और मेंस के लिए भी। जब आंसर राइटिंग हम करते हैं तो इसको हम एक तरीके से क्वेल्यू जो एडिशन के तौर पे कीवर्ड का यूज है वो कर सकते हैं। फिर राइटर बता रहे हैं कि देखो डाटा कलेक्शन हो चाहे डाटा क्रिएट किया जा रहा हो, कहीं ना कहीं डाटा प्रोटेक्शन काफ़ी अहम होता है। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जांपल से डिस्कस करते हैं तब हमें ये चीज़ें और अच्छे समझ में आएगी कि भाई डाटा प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। ये देखो जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन वगैरह करते हैं, आपने कभी एक चीज़ नोट की होगी कि आप कोई भी सामान बाहर से ऑनलाइन लेके आते हो या किसी मेडिकल स्टोर जाते हो, उसके बाद आपके पास अगर आपने ट्रीटमेंट वहाँ से लिया तो कुछ दिनों बाद आपके पास मैसेज आने शुरू होते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपको आप यहाँ पर फ्री चेकअप करवा सकते हो, ये करवा सकते हो, इस जो भी अगर से मान लो कि आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ हो किसी भी पर्सन को, उस डिजीज़ का उसने चेकअप करवाया वहाँ पर, से मान लो कि उसको डायबिटीज़ हो उसका उसने वहाँ पे चेकअप कराया हो, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद मैसेज आते हैं कि भाई आप डायबिटीज़ का इस हॉस्पिटल में फ्री चेकअप करवाइए वगैरह, तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा कि यार ये इन लोगों के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँची कैसे कि भाई इस आदमी को डायबिटीज़ है, ये है, ये ट्रीटमेंट ले रहा है। देखो वो इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, वो इन्फॉर्मेशन पहुँची जहाँ से आपने डायग्नोस्टिक वगैरह टेस्ट वगैरह करवाए थे जिस भी लैब वगैरह से, वो क्या करते हैं ऐसी जो होते हैं ना डाटा वगैरह
इसको क्या है कि वो भेज देते हैं हॉस्पिटल वगैरह को कि भाई ये पेशेंट हमारे पास आई है, इनका ये नंबर वगैरह है, ये इनकी रिपोर्ट वगैरह है, तो अब आप ले लो। तो उनसे तो वो पैसे ले लेते हैं और फिर हॉस्पिटल को भेज देते हैं। तो हॉस्पिटल क्या करते हैं, हॉस्पिटल फिर उस पूरे डाटा को एनालाइज करते हैं, एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो फिर काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई ये इंसान क्या कर रहा था। ये तो मैंने कहा आपको एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल होता है, अब बाकी रियल लाइफ से भी इन चीज़ों को कनेक्ट है वो कर सकते हो। जैसे कि बहुत जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, पूरी प्रोफाइल क्रिएट करती है कि भाई हम कहाँ, हमें सारी चीज़ों को ट्रैक किया जाता है। इंटरनेट पे जैसे फेसबुक यूज कर रहे हैं तो फेसबुक पे हम क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे हमने क्या क्या चीज़ सर्च की, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, कौन से खाना हमें पसंद है, कौन सी जगह पर हम टूरिस्ट वगैरह के तौर पर घूमने जाते हैं, कैसी हमारी हेल्थ है, इसके बाद हमारी इनकम क्या है, इस तरीके के डाटा वो कलेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, सारा डाटा को एनालाइज करके एक फॉर्मेट में बनाते हैं और उसको एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी, हम क्या खाते हैं, किस तरीके की फूड हमें पसंद है, किस टाइम पे हम सोते हैं, क्या करते हैं और कौन कौन सी हमारी डिजीज़ हैं, जो भी सब इन्फॉर्मेशन उनके पास होगी। फिर क्या करते हैं वो कंपनियां इस डाटा को क्या करते हैं, कहते हैं बिग डाटा, और ये डाटा फिर कंपनियां सेल करती हैं जिन भी कंपनियों को इनकी ज़रूरत होती है। अब देखो उस डाटा का यूज़ कहाँ हो सकता है, जो भी देखो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनियों के पास पहुँचगी, अब वो कंपनियां क्या करेंगी, हमें उनको पता चल गया कि भाई इस इंसान की ऐसी नीड है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम ये मान लो कि हेल्थ का पता चल गया कि भाई इस इंसान को डायबिटीज़ है, तो वो क्या करेंगी, डायबिटीज़ के लिए हमें एडवाइस वगैरह देंगी, हमें जो टेस्ट वगैरह है वो प्रोवाइड करेंगी, मतलब हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में अवेयर करवाने की कोशिश करेंगी। इसके साथ ही हमें ट्रीटमेंट वगैरह के लिए हॉस्पिटल बताएंगी, वो सब काम है वो करने वाली हैं, क्योंकि उनसे उनको पता है फ़ायदा होने वाला है। तो इससे होता क्या है, एक तो देखो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का इशू भी हमारा आ जाता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन थी, हमें पूछा थोड़ी था उस टाइम पे कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन हम किसी को बेचें या नहीं बेचें, बट हमारी विदाउट अनुमति के उन कंपनियां क्या करती हैं, डाटा इधर से उधर बेच देती हैं और फिर इसका एक तरीके से यूज़ है वो होने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि मान लो किसी एरिया का, जैसे मान लो कि दिल्ली के एरिया की एग्जाम्पल ले लो, दिल्ली के एरिया के अंदर ये मान लो कि करोलबाग का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, स्टडी एरिया, चलो वहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। दिल्ली के अंदर उन्होंने स्टडी कर ली करोलबाग वाले एरिया में कि भाई यहाँ के लोग हैं वो रात को 12 बजे सोते हैं, ऐसे ऐसे मतलब स्टडी करते हैं, ये बुक्स को उनकी ज़्यादा नीड वगैरह होती है, तो क्या करेंगे मार्केट में उसी तरीके की बुक है वो पब्लिश करने की कोशिश करेंगे उस एरिया के अंदर। इसके साथ ही उसी तरीके के प्लान वगैरह बनाएंगे, मतलब उसी तरीके का नया प्रोडक्ट लेके आएंगे ताकि कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट है वो किया जा सके। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारी चॉइस को भी वो मैनिपुलेट करने की हल्की हल्की कोशिश है वो करते हैं। तो इस तरीके से डाटा है वो उसको कंपनियाँ यूज़ हैं वो करती हैं। देखो अभी तक तो ये हो रहा था कि जो ये डाटा था ना, इस तरह मैंने आपको बताया, ये डाटा क्या था, बाहर की कंपनियाँ लेके जा रही थी और फिर इंडियन कंपनी को बेच रही थी, तो उनको डबल मुनाफा हो रहा था। इंडिया में से डाटा फ्री में क्लियर कर लिया, बाहर ले जाती थी, फिर इंडियन कंपनीज को डाटा चाहिए था तो उससे पैसे वसूलती थी, तो इससे क्या कि हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई पूरा एक रूल रेगुलेशन बने और जो भी डाटा है वो विदाउट कस्टमर की अनुमति के कहीं भी डाटा इधर उधर शेयर ना किया जा सके, कस्टमर की परमिशन होनी चाहिए, इसके बाद ही डाटा का यूज़ वगैरह हो सकता है, और कस्टमर जब तक परमिशन नहीं देता तब तक डाटा का कहीं भी यूज़ है वो आप नहीं कर सकते, इसलिए प्रोटेक्शन की बात यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में देखो बात ये की जा रही है कि अभी तक हमारे देश में देखा जाए तो डाटा प्रोटेक्शन के लिए केवल एक ही एक्ट है, वो है 2000 का आईटी एक्ट, जो कि केवल प्रोटेक्शन की बात करता है, बट आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि 2000 के टाइम की आपको पता है अलग डिमांड थी और आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ आ चुका है तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, तो ऐसे माहौल में काफ़ी नई चीज़ों की जरूरत है और जो पुराना एक्ट है आईटी एक्ट वो इसके लिए सफिशियंट नहीं है डाटा प्रोटेक्शन के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि नया जो एक्ट है वो बनाया जा सके और इसमें अमेंडमेंट वगैरह करके ये प्रावधान किया जाए कि भाई जो कंपनी है इंडिया की वो बाहर डाटा लेके नहीं जा, सॉरी बाहर की कंपनी इंडिया डाटा बाहर ना ले, मतलब कोई भी कंपनी हो इंडिया के लोगों का डाटा है तो वो इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, चाहे फॉरेन की कंपनी हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे यूएस की हो, कहीं की भी हो, डाटा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही रहना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट की भी उस पर एक्सेस वगैरह रहेगी, वो सारी बातें यहाँ पे इस बिल में की गई हैं। इसके साथ ही एक अहम बात यह है कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर की, वो कस्टमर की बिना अनुमति के शेयर नहीं किए जाएं या बिना अनुमति के बेची नहीं जाएं, जैसे कि कस्टमर का जेंडर हो या फिर कोई डिजीज वगैरह हो गई हो हेल्थ की ऐसी, या फिर कोई ऐसा और भी मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है, जैसे मोबाइल नंबर, कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, वो बिना कस्टमर की अनुमति के कहीं भी शेयर वो नहीं की जाए, ये बात यहाँ पे वो इस बिल में कह वो कही गई है। इसके साथ राइटर है वो कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने अपने एक बना रखा है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट, उसी तरीके से इंडिया को भी एक एक्ट है वो बनाना होगा, क्योंकि यूरोप के अंदर जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बिल है या एक्ट है वो बहुत अच्छा जो डाटा प्राइवेसी के लिए बहुत अच्छा बिल है, क्योंकि उस एक्ट के अंदर काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही कस्टमर को प्रॉपर सेफ्टी या सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की गई है इस बिल में, और राइटर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है GDPR, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो
यूरोपियन यूनियन की सॉरी गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसे प्रावधान कर रखे हैं कि बिना कस्टमर की अनुमति के डाटा इधर से उधर भी नहीं कर सकते, मतलब पता भी नहीं मिल सकता। कस्टमर चाहे तो कंपनियों से अपना डाटा डिलीट करवा सकते हैं, कस्टमर चाहे तो कंपनियों को मतलब डाटा मॉडिफाइड कैसे भी, कस्टमर की मतलब यहाँ पे जो सारी पावर होती है यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो सारी पावर कस्टमर के पास होती है। मतलब इंसान के पास सारी पावर है, वो चाहे उस तरीके से डाटा का यूज़ वगैरह करवा सकता है। ये यहाँ पर विलंब किया गया है। तो राइटर कहना है इसी तरह का स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो इंडिया में लेने होगा। इसके साथ ही अगर गवर्नमेंट डाटा का यूज करना चाहती है तो उसके लिए भी रूल रेगुलेशन क्लियर होने चाहिए कि गवर्नमेंट कौन कौन से एरिया के लिए कस्टमर का डाटा है वो यूज कर सकती है, कहाँ कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, क्या क्या उसके यूज होने चाहिए। तो ये बात सारी इस बिल में की गई है, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वो है ब्रिक्स के बारे में। तो इस आर्टिकल में बात डिस्कस की गई है कि देखो ब्रिक्स का अभी 10th समिट हुआ था, जो हुआ था साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये इसी नाम पे आई है, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन। तो पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स का ये बन जाता है यहाँ पे, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन कैसे रिलेटेड है? भाई ब्रिक्स कंट्री से रिलेटेड है, 10th समिट है, साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये यहाँ पे एक फैक्ट है वो बन गया। अब बात करें ब्रिक्स कंट्रीज की, तो उसमें आती है ब्राजील आता है, रसिया आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है और साउथ अफ्रीका। पहले BRIC था, ऐस नहीं था, साउथ अफ्रीका एक लेटेस्ट कंट्री है उसमें ऐड हुई थी। तो अभी कुल मिला के इसमें 5 कंट्रियाँ होती हैं। अगर ब्रिक्स की बात करें हम ऑल ओवर वर्ल्ड के मुताबिक, तो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो पूरी GDP का लगभग 22%, ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी GDP है उसका 22% हिस्सा है वो कवरेज करते हैं। आप एक तरीके से कह सकते हो कि 1.5 से भी ज़्यादा हिस्सा है वो ग्लोबल GDP का ब्रिक्स कंट्रीज हैं, एक तरीके से उसमें योगदान देती हैं। बात करें पॉपुलेशन की, तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 40% पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज में ही है। तो मतलब ब्रिक्स कंट्रीज है उनके पास काफी बड़ा ह्यूमन डेमोग्राफिक डिविडेंट है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पे GDP है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। अब फिर राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जो जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हुई थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल गई, ब्रिक्स कंट्रीज ने क्या कहाँ कहाँ अच्छा काम किया, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो जब हम बात करें कि ब्रिक्स कंट्रीज है या ब्रिक्स ग्रुप है वो क्यों बनाया गया था, तो बेसिकली ब्रिक्स जो ग्रुप बनाया गया था वो बनाया गया था ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म के लिए। देखो आप एक चीज़ जानते हो कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बाकी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं फंडिंग वगैरह में कहीं ना भेदभाव करती हैं, जैसे कि IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, इनमें इनका इन्फ्लुएंस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का इनमें इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो क्या करती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की ही मान के IMF वगैरह बाकी कंट्रीज़ को लोन है वो देती हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग जो बाकी अदर कंट्रीज़ हैं, चाहे एशियन कंट्रीज़ ले लो चाहे अफ्रीकन ले लो, इनको लोन है वो दिलाती हैं IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो इसीलिए जो एशियन कंट्रीज़ थी या बोल सकते हो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, जैसे ब्राज़ील हो गया, या मतलब बाकी जो कंट्रीज़ हो गई, आप बोल सकते हो कि डेवलप कंट्री के अलावा जो बची हुई कंट्री हैं, उनको ऐसा लगा कि यार क्यों ना हम एक हमारे तरीके के रिफॉर्म लेके और हम एक अपना अलग से बैंक वगैरह बना लें, अलग से कुछ काम है वो करें, ताकि हमें वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड वो होना ही नहीं पड़े। मतलब एक तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल रिफॉर्म लाने के लिए, ताकि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो सके, इसके लिए बेसिकली ब्रिक्स का निर्माण है वो किया गया था। इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो एक तरीके से आप कहते हो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनका प्रभुत्व बना रहे। आपको पता है कि ब्रिक्स के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास हम ब्रिक्स में काफी देखा जाए, एक सेकंड, ब्रिक्स में बेसिकली 2 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है, एक तो बात करें रसिया की और एक आता है चाइना। तो इनमें भी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी ब्रिक्स को थोड़ी वैल्यू बनती है कि यार 2 कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है तो इनका UN में भी दबदबा है वो रहेगा। तो इसलिए बेसिकली ब्रिक्स का निर्माण है वो किया गया था। तो ये तो थोड़ा देखा हमने बैकग्राउंड। अब बात करें देखो आज के टाइम पे किस किस टॉपिक पे भी बात हुई थी, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें सामने आई थी। एक तो देखो आज के टाइम पे आपको पता है कि चाइना और USA के बीच में जो बड़ा ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है उससे पूरे विश्व में अनस्टेबिलिटी वो आ रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पे फोकस किया गया था कि किस तरीके से USA का जो ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है इसको हमें काउंटर है वो करना है, कैसे हमें स्टेप उठाने हैं ताकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट है वो किया जा सके। इसके बाद में बात की गई थी डाटा प्रोटेक्शन की। देखो डाटा प्राइवेसी है वो सभी कंट्रीज के लिए अहम होती है। आज के टाइम पे जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी है वो अहम है, साइबर थ्रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए इस दिशा में कदम उठाने पर फोकस है वो किया गया था। इसके बाद में बात की गई थी कि इंडस्ट्रियल जो 4.0 रिवॉल्यूशन है उस पर फोकस किया गया था कि फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके दौरान कैसे कैसे स्टेप उठाने हैं, किस तरीके से जो ऑटोमेशन है वो बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, क्या क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे हमें उन चैलेंज से निपटना है, वो सारी बातें यहाँ पे हैं वो की गई थी। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके क्या क्या स्कोप है, किस तरीके से हम पॉजिटिव डायमेंशन में जा सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस है किया गया था। इसके साथ ही जो इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है उससे क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट है वो उभर के आ रहे हैं, आज के टाइम पर किस तरीके से चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए साइबर अटैक हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी काउंटर यहाँ पे करने पर फोकस है वो किया गया था। इसके साथ जो आपको
आपको पता है कि यूनिवर्सल अहम मुद्दा होता है वो होता है टेररिज्म। तो टेररिज्म पे आपको पता है इंडिया ऑब्वियसली सबसे आगे रहेगा, तो इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी मतलब अपनी आवाज़ उठाई और उस चीज़ को लेकर जो आपसी कंट्रीज हैं ब्रिक्स कंट्रीज उनमें सहमति भी बनी और इसको लेकर भी उन्होंने स्टेप उठाने की बात है वो की थी। इसके बाद में आती थी इन्वायरमेंट के लिए कि किस तरीके से आज के टाइम पर देखो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को नुकसान हो रहा है, हमारे जो इम्यून सिस्टम वो भी खराब होता जा रहा है, तो इसके ऊपर फोकस करने के ऊपर ध्यान वो दिया गया ताकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, तो हमें कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं वो उठाने हैं वो यहाँ पे फोकस है वो किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे बात की गई थी क्योंकि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज का ही एक बैंक है, ये एक्चुअली फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, तो इसमें और ज्यादा फंडिंग है उसको बूस्ट करने की बातें यहाँ पे की गई थी। तो ये तो हो गया इस जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन में क्या क्या हुआ वो हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज के सामने आज के टाइम पे चैलेंजेस क्या हैं। देखो ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव तो नेगेटिव भी तो होने ही होने हैं, तो नेगेटिव की बात करें चैलेंजेस की बात करें आज के टाइम पे, तो वो तो एक तो है गरीबी कि आज के टाइम पे देखा जो ब्रिक्स कंट्रीज में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। इवन रसिया वो एक डेवलप्ड कंट्री है उसके बावजूद भी जो एशिया वाला रसिया का हिस्सा है उसमें काफ़ी ज़्यादा गरीबी है, भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, माल न्यूट्रिशन कुपोषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक अहम इशू हम बात करें वो है इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। वो देखो बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में वैसे कोई डिस्प्यूट नहीं है, एक केवल एक ही इशू रहता है वो रहता है बेसिकली बॉर्डर विवाद, इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि हम बात करें चाइना और जापान की बात करें तो उन दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल इशूज़ भी हैं क्योंकि चाइना को एक्चुअली जापान ने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे स्लेवरी के तौर पे यूज किया था, जो सेक्स वर्कर के तौर पे चाइना को यूज है वहां पे किया गया था, तो इसलिए वहां पे इमोशनल इश्यू है चाइना और बात करें जापान में तो उनके कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है, जबकि इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजन को लेकर भी काफी मतलब पॉजिटिवनेस रहती है, बस इश्यू एक ही रहता है वह बॉर्डर का। इसके साथ ही बात करें कि चाइना है वो इंडिया के विरोध में पॉलिसी लेके आता है जैसे कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, तो वो कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट करनी, तो वो एक बड़ा इशू यहाँ पे चैलेंज है दोनों कंट्रीज के सामने रहता है। इसके साथ ही साउथ चाइना सी के अंदर किस तरीके से चाइना है वो अपना डोमिनेंस बनाता जा रहा है जिससे कि बाकी कंट्रीज हैं उनको नुकसान हो रहा है, अपना जानबूझ के दबदबा बढ़ा रहा है, तो उससे भी नुकसान हो रहा है, तो ये काफ़ी बड़े चैलेंजेस ब्रिक्स कंट्रीज के सामने है। फिर बाद में बात करें वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड में ये कहा गया है कि देखो आज के टाइम पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो है टेररिज्म, तो टेररिज्म से निपटना है तो सभी कंट्रीज को एक साथ मिलकर आना होगा और जो अपने छोटे इशूज हैं उनको कहीं ना कहीं दबा के रखना होगा क्योंकि उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो मेन मुद्दा हम बात करें यहाँ पे वो है टेररिज्म, तो उसके हमें कहीं ना कहीं निपटने के लिए सभी को साथ है वो आना होगा। ये था कंप्लीट आर्टिकल। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है यहाँ पे जजों के रिटायरमेंट के बारे में, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो बेसिकली जजों के रिटायरमेंट को लेकर इस आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया है वो देखते हैं। आपको पता है कि हमारे देश में जजों की रिटायरमेंट की जो एज है वो 62-65 ईयर्स बेसिकली वो रहती है, तो इस चीज़ को लेकर क्या कह रहे हैं। देखो एक चीज़ हम थोड़ा बैकग्राउंड से देखते हैं, जज बनते कैसे हैं, उनका मिनिमम क्या होता है, 10 साल तो उनको एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए, पहले उनकी एज है वो होनी चाहिए फिर उनको एक्सपीरियंस वगैरह, तो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 55 या 60 की एज में बेसिकली नॉर्मल जज हैं वो बनते हैं। फिर कितने साल जॉब पे रहते हैं, वो रहते हैं मैक्सिमम 5-7 साल के लिए जॉब में रहते हैं। तो राइटर का यहाँ पे ये कहना है कि देखो हमारे देश में जज है ना उनको काफ़ी जल्दी रिटायर किया जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, बाकी जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं मैक्सिमम आप बोल सकते हो डेवलप कंट्री हुआ, यूरोपियन यूनियन हो गई, यूके हो गया, यूएस वगैरह, वहाँ पे जजों का जो कार्यकाल है ना वो होता है 70 साल, मतलब उनको थोड़ा टाइम हो ज़्यादा दिया गया होता है, और जज की जो पोस्ट होती है ना उसके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जबकि इंडिया में क्या होता है जो ही जज के पास एक्सपीरियंस आता है और वो जज वगैरह बनता है बेचारा अच्छी खासी जगह पे, इतने में उसका रिटायरमेंट आ जाता है 1-2 साल में। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो हमारे देश के अंदर जिस तरीके से ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर मैक्सिमली जो जजों का काम करते हैं वो कौन होते हैं, रिटायर्ड जज ही होते हैं, तो वहाँ ट्रिब्यूनल के अंदर अगर हम रिटायर्ड जजों का यूज है वो कर सकते हैं या उनको वहाँ पे हम मतलब एक तरीके से उनको पोस्ट वो देते हैं, तो क्यों नहीं हम हमारी जो एक तरीके से जुडिशरी है वहाँ पे जजों को यूज नहीं कर सकते। मतलब जुडिशरी के अंदर भी तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जजों की जो रिटायरमेंट की एज है इसको बढ़ा दिया जाए, अभी जो एज है इससे ज़्यादा बूस्ट कर दिया जाए, 70 साल एज कर दी जाए, 72 साल एज है वो कर दी जाए, ताकि उनका जो टैलेंट है जजों का वो यूज किया जा सके। क्योंकि देखो जितना पुराना जज होता है उसको उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसकी स्किल उतनी ही अच्छी होती है और वो केस को उतना ही बारीकी से डिस्कस करता है जिससे काफ़ी ज़्यादा हमें डायमेंशन मिलती है और एक आप बोल सकते हो कि फेयर डिसीजन है वो सामने आता है, तो उससे हमें भी बेनिफिट होता है और हमें जो साथ में और बाकी जजेस भी होते हैं छोटे उनको भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के तौर पर सीखने को मिलता है। तो राइटर का देखो ये कहना है कि इंडिया में जजों की बात करें वो बहुत कम है, जजों की संख्या की यहाँ पर बहुत है वो की गई है, इंडिया के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोगों के ऊपर केवल और केवल 19 जज हैं, ये यहाँ पे बेसिकली डाटा है वो बताया गया, 19.66 बताया गया, मतलब 19 मान लो 20 मान लो चलो,
यूएस के अंदर ये डाटा देखें तो 10 लाख लोगों के ऊपर 107 जज हैं, कनाडा के अंदर 75 जज हैं 10 लाख लोगों पे, और यूके के अंदर 51 जज हैं। मतलब क्या है कि इंडिया में जजों की संख्या बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें जजों की संख्या पूरी करनी है, ऑलरेडी आप जानते हो कि जजों का अपॉइंटमेंट है वो हो नहीं रहा है, तो बेटर तो ये होगा ना कि जजों का अपॉइंटमेंट तो आप जैसे भी करो, बट जो पुराने जज हैं जिनको आप रिटायर कर रहे हो जल्दी, उसकी बजाय उनकी रिटायरमेंट की एज बढ़ा दो, ताकि उनका एक्सपीरियंस यूज हो सके और जो पुराने केस है वो पेंडिंग है उनको भी सोल्व हो जाए। क्योंकि आज के टाइम पर अगर हमारे देश में देखा जाए तो लगभग 3.5 करोड़ केस है वो पेंडिंग है। ये तो मोटे मोटे केस हैं, जो 3.5 करोड़ केस है वो पेंडिंग है। इसके साथ ही अगर बात हम करें, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भाई हमारा एक फंडामेंटल राइट है इस चीज़ का कि हम हमारा जो भी अगर कोई हमारा विवाद होता है तो उसको हम सुलझा सकते हैं कोर्ट से। बट अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर नॉर्मली जो केस हैं, एक एवरेज बात करें, एक केस एवरेज 10 से 20 साल में सोल्व होता है। और कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ सामने आ रही है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मतलब एक केस को सोल्व करने में हमें 10 से 20 साल लग जाते हैं। पेंडिंग केस वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जुडिशरी पे ऑलरेडी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो बेटर यही है कि हमें जो जजों की रिटायरमेंट की एज है इसको बढ़ा देना चाहिए, ताकि जजों का एक्सपीरियंस है उसको हम यूज है वो कर सकें और हमें काफ़ी अच्छी डायमेंशन यहाँ पे मिलेंगी। तो ये राइटर का बेसिकली यहाँ पे पॉइंट है वो डिस्कस है किया गया है, काफ़ी अच्छे इस आर्टिकल में पॉइंट दिए गए हैं, तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस है वो कर लिया है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में बेसिकली इतना ही है, और जो PDF है वो नीचे आप डिस्कशन बॉक्स में लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप आंसर राइटिंग का प्लीज़ डेली एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा, उसके लिए जो लिंक है वो नीचे आपको अनअकैडमी का लिंक है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैड वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे आप डेली पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। पहले तो आपको क्वेश्चन है वो डिस्कस किया जाएगा, फिर उसमें क्या क्या लिखना है वो बताया जाएगा, फिर एक मॉडल आंसर भी आपको बताया जाएगा कि ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, तो मतलब अपने क्वेश्चन को आप वहाँ पे मेज भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट वहाँ पे मिल सकता है। इसके साथ ही वहाँ पे UN की जो बॉडी है, जो UN की स्पेशल एजेंसीज हैं वो भी हैं, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी के लेक्चर वहाँ पे अपलोड हैं वो ऑलरेडी किए गए हैं, तो उन सबको आप वहाँ पे स्टडी है वो कर सकते हो। तो फिलहाल के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।